ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 40 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रिवॉल्विंग एंड ऑल इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप इन रेजिंग इट्स टेम्परेचर एंड इफ एस इज टेकन टू बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ द अर्थ मटीरियल द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू वॉट। तो क्वेश्चन है कि अगर अर्थ घूमती घूमती रुक जाए तो उसकी जो एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर घूमने की एनर्जी, वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अर्थ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ये आपको निकालना है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो स्पेसिफिक हीट आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपने शायद केमिस्ट्री में स्पेसिफिक हीट पढ़ ली होगी, अब तक नहीं पढ़ी तो सुन लें, हम वैसे करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को एस या सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट मास का मतलब जैसे 1 kg का सब्सटेंस, तो बाय 1 degree Celsius या 1 Kelvin। जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर 10 degree Celsius हो, 11 करना है, 12 वाले को 13 करना है, 13 वाले को 14 करना है, 1 degree से इंक्रीज करना है, तो 1 degree Celsius इंक्रीज करना है, तो 1 kg सब्सटेंस का इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 degree Celsius है, तो हीट रिक्वायर्ड कितनी है, एस। और अगर सब्सटेंस mkg का है तो क्या है, m इंटू एस। राइट, तो अगर m है तो m टाइम्स हो जाएगी हीट रिक्वायर्ड। और उसी तरीके से अगर आपके पास 1 degree Celsius राइज इन टेम्परेचर है mkg सब्सटेंस के लिए, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना है, m इंटू एस। पर अगर आपका टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया डेल्टा टी, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, एम एस इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या आ गई, हीट रिक्वायर्ड। तो शायद आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, एम सी डेल्टा थीटा एम एस डेल्टा टी, तो वेयर एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। तो हीट का फॉर्मूला क्लियर है, क्योंकि हीट का फॉर्मूला एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी है। जो हीट के यूनिट्स हैं वैसे नॉर्मली बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, कैलोरीज, लेकिन इसको जूल्स भी यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कोई, जूल्स या कैलोरीज में से कुछ भी। तो अगर मैं इसको कैलोरी यूज करता हूँ या जूल यूज करता हूँ, तो स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स क्या बनेंगे, हीट को डिवाइड करते हैं मास एंड डेल्टा टी से, तो बहुत कॉम्बिनेशन है स्पेसिफिक हीट के, कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम पर डिग्री केल्विन या सेल्सियस, कुछ भी, तो बहुत कॉम्बिनेशन है इसके। पर बाय डिफॉल्ट ये हीट किस में ली जाती है, कैलोरीज में। तो इसके अंदर ये रिजल्ट यूज करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, जो हीट है वो कैलोरीज या जूल्स में कंसिडर की जाती है, ठीक है? तो अगर हीट मान लो 12 या 15 जूल गिवन है और आपको इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको 4.2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, याद रखना। और अगर मान लो 15 कैलोरीज गिवन है और जूल में कन्वर्ट करना है, तो 4.2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये 4.2 जूल ने निकाला था ये फिगर, इसको बोलते हैं जूल्स इक्विवेलेंट, और कभी कभी कई बुक्स में इसकी जगह सिंपली जे लिखा होता है, तो यानी कि जे का मतलब है जूल्स इक्विवेलेंट, या तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के, या कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा हम यूज करते हैं। तो जे की वैल्यू 4.2 है यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारा कुछ हम करने वाले आने वाले चैप्टर्स में। तो इफ अर्थ सडनली रिवॉल्व, तो अगर स्टॉप्स रोटेटिंग, तो अगर अर्थ घूम रही थी तो एनर्जी थी कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और घूमती घूमती रुक गई तो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो गई, एम एस डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर है, और ये मुझे क्वेश्चन में निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है, इसको देना चाहिए था कि स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स क्या हैं, क्योंकि अगर तो यूनिट जूल में चल रहे हैं, हीट अगर जूल में चल रही है, फिर ये तो होता ही जूल है, ये भी जूल हो जाएगा, फिर आपको 4.2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मान लो एक मिनट के लिए हीट चल रही है कैलोरी में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट के यूनिट कैलोरी में है, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर चलता है जूल में, तो ऐसी बात नहीं बनती ना, लेफ्ट हैंड साइड तो जूल है और राइट हैंड साइड कैलोरी है, इक्वेट नहीं कर सकते, तो या तो जूल जूल कैलोरी कैलोरी इक्वेशन बनेगी। तो इस क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलोरीज में गिवन है, और अज्यूमिंग कि ये हीट जो है वो कैलोरीज में है और ये जूल में है, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जे से क्या किया, 4.2 से डिवाइड, ठीक हो गया था। मास जो आई अर्थ एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, 2/5 mr², मास से मास कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइज इन टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया।
तो आप ये नोट कर लें, मतलब समझ लें कि क्या किया। मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ी देर में इसी असाइनमेंट में फिर से आने वाला है, उसमें आपको ये अप्लाई करने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? तो आज के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, हो जाएगी सॉल्व। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हीट में कन्वर्ट करनी है तो क्या करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर मार्क कर लेना, क्या आ रहा है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, नेक्स्ट भी हमने कर लिया था, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पढ़ लें, और विद वन एंड है वो एंड। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ें और इसको मैं बताता हूं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम दो तरीके से आती है। कैसे? आज की असाइनमेंट के अंदर आएगी, तो आप एक बार मेथड समझ लें, फिर जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आएंगे, कई बार आएगी ये, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है इसमें। सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक रॉड है, ठीक है, ये एक थिन रॉड है और ये ग्राउंड के ऊपर ऐसे पड़ी हुई है, सच दैट ये इसका एंड फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है और ये मूव नहीं करेगा, चाहे रॉड नीचे भी गिर जाए, घूम सकती है, पर एक्सिस कहां से पास कर रहा है? एग्जैक्टली इसके सेंटर से। रूल नंबर 1। ठीक है यहां तक? अब क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं ये पूछूं कि रॉड का मास m है और लेंथ l है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा। कितनी हाइट पे होगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना होगा? l बाय 2 पे होगा। तो अगर मैं ये पूछूं, बताओ यहां पर इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर क्या होगा? हमने किया था, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर मास है, पर हम क्या ऐसे करते हैं सॉल्व सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास से इसका मास टोटल सेंटर ऑफ मास पे पड़ा हुआ है इंटू जी, और हाइट के सेंटर ऑफ मास की एल बाई टू, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी इंटू एल बाई टू किया था हमने। ये रॉड यहां पर है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये रॉड यहां पर है तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये रॉड, ये जो रॉड है ये नीचे गिर गई इस तरीके से, ये नीचे गिर गई, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया नीचे गिरने पे। तो कैसे गिरी? एंड तो फिक्स्ड है, ऑब्वियसली ये घूमी होगी, रोटेट की होगी, रोटेट करके ये नीचे गिर गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आपको क्या बताना है? जब ये रोटेट कर रही है तो इसका ओमेगा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। कैसे? जब ये रॉड यहां पर है, ठीक, तो यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रॉड खड़ी खड़ी घूम रही है तो ओनली रोलिंग, रोलिंग तो करेगी नहीं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर जब नीचे आ गई तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो ये बताओ, जब ये रॉड यहां पे है, मींस इस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये डिस्टेंस कितना है? L बाई टू। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी इंटू एल बाई टू। और ये घूम नहीं रही अभी, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। ठीक हो गया यहां तक? जब ये नीचे गिर गई, जब ये नीचे गिरी तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? जीरो, ग्राउंड पे गिर गया सेंटर ऑफ मास, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या आएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है यहां तक? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो अगर पहला क्वेश्चन आएगा इसमें ओमेगा निकालो, तो आप क्या करोगे? एम जी इंटू एल बाई टू इज हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम जी इंटू एल बाई टू हाफ। अब ये बताओ कि रॉड का एक्सिस कोने से पास कर रहा है जो कि टेंजेंट है, तो आई की वैल्यू इसमें क्या कंसिडर की जाएगी? एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, मास से मास कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ओमेगा की वैल्यू आ गई 3g बाय l। ये पहला क्वेश्चन है, तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि ओमेगा निकालने, तो ओमेगा कैसे निकालना है? क्लियर है? और क्वेश्चन में हमेशा मीटर स्टिक गिवन होती है, मीटर स्टिक की लेंथ बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 1। तो एंड में l को क्या पुट कर देना है? 1।
क्लियर है यहां तक ओमेगा की वैल्यू? कोई डाउट इसमें? दूसरा क्वेश्चन आएगा इसमें कि सपोज करो आपके पास ये रॉड है, रॉड के इस कोने ने ग्राउंड को हिट किया होगा बाय सम वेलोसिटी वी, तो बोलो ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है और वेलोसिटी टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये जो पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो कितने रेडियस में घूम रहे हैं? एल रेडियस में घूम रहे हैं, रॉड की लेंथ एल है, तो वी इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो ये जो कोन है ये कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को? वी इज इक्वल टू एल ओमेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ओमेगा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3g/l। आप l को इसके अंडर रूट के अंदर ले जाओ, l स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 3g/l। एक और आंसर आ गया, वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी या v की वैल्यू जिससे कि रॉड का एक कोना हिट कर रहा है ग्राउंड को, अंडर रूट ऑफ 3g/l। और लेंथ यहां पर अगर 1 मीटर स्टिक है, l की जगह 1 पुट कर देना, आंसर √3g। क्लियर है यहां तक? तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करने समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर ये आएगा कि बताओ ये जो कोन है, ये सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है ग्राउंड को? तो अब सेंटर ऑफ मास जो घूमेगा वो कितने रेडियस में घूमेगा? L/2। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा में l नहीं पुट करेंगे, L/2 पुट करेंगे। अगर कोने की वेलोसिटी निकालनी है तो लेंथ l, उसका रेडियस l है, और अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो L/2। तो यहां से L/2 इंटू ओमेगा की जगह अंडर रूट ऑफ क्या? 3g/l। सॉल्व मतलब डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आज की शीट में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपने सॉल्व करने हैं। आपको हिंट दे रहा हूं मैं, वैल्यूज आपने निकालनी है, बट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा? इसका एक और क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा आज कि सपोज करो आपके पास एक फिर से रॉड है, थिन रॉड है, ये रॉड का मास फिर से m है और लेंथ l है, तो सेंटर ऑफ मास फिर से यहीं पे है, एग्जैक्टली यहीं पर है, और ये हिंज्ड है यहाँ पे। हिंज्ड का मतलब है कि ये मूव नहीं करेगा, तो एक्सिस का यही रहेगा। फिर से आपको क्या निकालना है इसमें? ओमेगा निकालना है। पर प्रॉब्लम ये है, रॉड पूरी की पूरी ग्राउंड पे नहीं गिरेगी। तो आज की शीट में क्वेश्चन आएगा, रॉड इमेजिन करो बस यहीं तक आई, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो अब आपको ओमेगा निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या होगा। रूल वही है सेम। क्या रूल है? इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, थोड़ी देर के बाद थीटा कन्वर्ट करने के बाद सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थोड़ी सी डाउन आ जाएगी, नीचे आ गई। रॉड के इनसाइड, रॉड के अंदर सेंटर ऑफ मास की जो लेंथ होती है ये वाली, ये हमेशा क्या रहती है? L/2। तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी क्या रहेगी? सेम। कितनी? L/2। ठीक है, यहां पर रूल वही है, अगर ओमेगा निकालना है तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर भी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहेगा? सेम। रूल वही है जो पहले लगाया, वो बस फर्क यह है कि उसमें रॉड नीचे गिर गई थी, इसमें रॉड नीचे नहीं गिरी, यहां पर है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज पता है इसमें कि यहां पर ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? mg इंटू कितना? L/2। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी इसमें? 0। सेम। लेकिन यहां पर अब इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या होने वाला है? आपको ये हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये हाइट तो निकालनी पड़ेगी। अब हाइट निकालने का ये कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें इमेजिन करो कि सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था, सेंटर ऑफ मास कहां पर आ गया? नीचे आ गया। कितना नीचे आया? अगर मैं पूछूं कितना नीचे आया, तो इतना नीचे आया है ना, तो कितना नीचे आया डायग्राम में? इतना नीचे आया। ठीक है, तो ये मान लो डिस्टेंस कितना है? h नीचे आ गया, सेंटर ऑफ मास वर्टिकली h नीचे आ गया।
राइट। तो अगर ये एच नीचे आया, टोटल डिस्टेंस कितना था एल बाई टू, एच नीचे आ गया तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा एल बाई टू माइनस एच, ये डिस्टेंस एल बाई टू माइनस एच, और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी मुझे पता ही है कितना है एल बाई टू। अगर ये एल बाई टू माइनस एच तो ये भी एल बाई टू माइनस एच, सेम है ये हाइट, सही है। तो एच तो मुझे मालूम नहीं है, तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू जरूर मालूम है, जो कि क्या होगी एल बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई कितना एल बाई टू। तो एच निकालने का सही तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बाई टू माइनस एच इज इक्वल टू एल बाई टू इंटू कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू क्या आएगी एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच भी आ गया। अब क्वेश्चन ईजी हो गया, वो क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये तो मेरा ग्राउंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी इंटू हाइट क्या ग्राउंड से एल बाई टू माइनस एच, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस इंस्टेंट पर क्या होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ज्योमेट्री के निकाल के हाइट निकाल ली, एच मालूम नहीं था, एच भी आ गया हमारे पास, ठीक है। उल्टा भी कर सकते थे, मैंने उल्टा ये एच लिया, आप सीधा एच ये ले लेते और आसान हो जाता आपके लिए करना, ठीक है। तो एच ये लेंगे तो सीधा ज्योमेट्री से निकाल के एच इक्वल टू एल बाई टू कॉस थीटा, वैसे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, उल्टा करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो इक्वेट करते हैं एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाई टू माइनस एच प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो आई की वैल्यू फिर अगेन एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ओमेगा आपको निकालना है, और एच की वैल्यू ये ऑलरेडी निकाल रखी है, एच की वैल्यू यहां पुट करके सॉल्व करके ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, जब क्वेश्चन आएगा तब की तब देखेंगे, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि आंसर वन माइनस अगर आप यहां पर पुट करें तो ये एच की वैल्यू वन माइनस कॉस थीटा की टर्म में यहां पुट करके आंसर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है यहां पर क्या करना है। अब रॉड जब भी रोटेट करेगी कुछ भी इनमें से क्वेश्चन आएगा, वो ओमेगा पूछ ले सबसे आसान है, वो वी पूछ ले टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, पर फिर भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर गिवन है तो ये करना तो पड़ेगा ही आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लगेगी वही एनर्जी कंजर्वेशन, बाकी आपका मैथ्स और आपकी प्रैक्टिस आप कैसे समझते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, वो डाउट इसमें, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरूर। तो फिर करो क्वेश्चन सॉल्व, ये लो आपका आंसर क्या है इसमें निकाल दो, अभी अभी ये क्वेश्चन करवाया, क्या निकालना है, रॉड बिल्कुल नीचे गिर गई, जब नीचे गिर गई तो द स्पीड ऑफ द अदर एंड बिल्कुल कोने का एंड की वी की वैल्यू क्या होगी, अभी करवाया मैंने रूट थ्री जी, अभी करवाया था रूट ऑफ थ्री जी था, वैसे तो रूट थ्री जी एल था, पर लेंथ क्योंकि वन मीटर, क्योंकि ये क्या है मीटर स्ट्रिक, तो रूट थ्री जी को सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है 5.4। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं दो केस में और आंसर निकालें क्या होगा इसमें। हिंट ये है, बॉडी स्लाइड करती हुई आ रही है और फिर रोल करती हुई आ रही है। MgH इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर पहली इक्वेशन स्लाइडिंग में, रोलिंग में MgH इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो वेलोसिटी, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, ये हो गया था क्वेश्चन लास्ट टाइम सिक्स। अच्छा ठीक है, ओ हाँ ठीक है, ओके फिर ठीक है, सिक्स हो गया, अच्छा हो गया, फिर सेवन्थ भी हो गया होगा, फिर ये भी क्वेश्चन, हाँ ये भी हो गए थे राइट, सही कह रहे हो, ये सारा हो गया था, 28% हो गया था राइट, सही है, ये नहीं हुआ जी, चलो ये कर लो। तो एक सॉलिड डिस्क है और वो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, विदाउट मतलब स्किड नहीं कर, स्लिप नहीं कर रही, इसका प्योर रोलिंग है, और दूसरा केस है स्लाइड कर रही है विदाउट रोलिंग, यानी लॉज ऑफ मोशन प्योर स्लाइडिंग का केस है। तो क्या निकालना है, वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है, वही सेम चीज, एनर्जी कंजर्वेशन एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर, एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेलोसिटी की रेशियो निकालो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है।
तो देखो एक सॉलिड डिस्क है, पहले रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, तो फिर स्लाइड कर रही है, तो एक काम क्यों नहीं करते, इसको कॉपी मत करो, कई लोग देख रहा था ये क्वेश्चन करो, काइनेमेटिक्स क्या लगानी है, ऐसे ही करेंगे। ये देखो क्या दो केस बनाते हैं, पहले केस में बोलो क्या हो रही है, स्लाइडिंग की रोलिंग, पहले केस में चेक करना रोलिंग, तो पहले बॉडी क्या कर रही है, रोल, एक डिस्क रोल कर रही है, तो यू इज इक्वल टू जीरो एच, तो बॉडी नीचे आ रही है अभी तो वेलोसिटी ऑफ वी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी एच इज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और डिस्क का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, हाफ, इक्वेशन नंबर वन। दूसरे केस में क्या हो रही है, स्लाइडिंग, तो ये स्लाइड है और ये रोल है, तो जब ये डिस्क u इज इक्वल टू जीरो से स्लाइड करती हुई नहीं है, रोल तो कर नहीं रही, तो इसकी वेलोसिटी नीचे पहुंचने की v डैश है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम कर दें, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इज हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड इंटू वन प्लस वन बाई टू, चेक करना यहां से v अपॉन v डैश की या v डैश बाय v की कुछ रेशियो आएगी, मैच करो दोनों की वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है, चेक करो क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो इसमें सी आंसर आ रहा है, इसमें रूट थ्री बाई टू नहीं आ रहा कहीं, रैशनलाइज करो इसे, रूट सिक्स बाई थ्री, थ्री को अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो अंडर रूट ऑफ सिक्स अपॉन थ्री स्क्वायर हो जाएगा आंसर आएगा। देखो जो मैंने आपको मेथड सिखाया उसमें ऑप्शन ही दिख रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन रूट सिक्स बाई थ्री है, तो रूट सिक्स बाई थ्री का स्क्वायर है, अब सॉल्व करो रूट थ्री बाई टू दिखेगा आपको, एक ही ऑप्शन है, या तो टू बाई थ्री का रूट आएगा या थ्री बाई टू का रूट आएगा, बस यही आंसर है, डन। समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है, जान के उसने ऐसा आंसर दिया होगा ताकि लोग क्वेश्चन छोड़ दें और कहें कि हुआ नहीं। चलो वैसे ही क्वेश्चन किया हुआ है हमने शीट में हैंड रिटन में, पर फिर मैं चाहता हूँ एक बार फिर से कर लो प्लीज। एनर्जी कंजर्वेशन है, रोलिंग बॉल ऊपर चढ़ गई है हाइट पर, तो एम जी एच इज हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, चेक करो।
क्वेश्चन किया हुआ है, एक बॉडी जिसका मास एम है, रेडियस आर है, अब वो ऊपर की ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर जा रही है और हाइट कवर क्या कर रही है, h जो गिवन है। तो क्या करेंगे, इसमें रोल करती हुई बॉडी आ रही है तो एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सिर्फ एम जी एच, और हाइट आपको गिवन है। सॉल्व करके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया, हाफ, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ है, तो हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मतलब रोल करती हुई बॉडी चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, एनर्जी कंजर्वेशन एज इट इज लगेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की बजाय आप ये क्वेश्चन करें, ये ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा सा चेंज है। अब देखें जरा क्या क्वेश्चन, वही अर्थ घूमती घूमती रुक गई तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन है, हॉलो स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग विद वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, इट सडनली स्टॉप्स एंड 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। पहले क्वेश्चन में क्या किया था, पूरी की पूरी एनर्जी ही रोटेशनल की हीट में कन्वर्ट हो गई थी, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 75% हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी खास बात, स्पेसिफिक हीट के स्पेशली यूनिट जूल में गिवन है, इसका मतलब हीट के यूनिट भी किस में आने वाले हैं, जूल्स में। अगर ये कैलरी होता तो हीट कैलरी में, ये जूल में है तो हीट जूल में। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का 75% लेंगे, तो टोटल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई, इसका 75% हीट में कन्वर्ट हो गया एम एस डेल्टा थीटा। तो यहाँ से आई मोमेंट इनर्शिया क्या है, स्फीयर का 2/, ये शेल है क्या, हाँ हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर था 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये हॉलो है, तो याद रखना आई का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 2/3 mr square। J यूज करने की जरूरत नहीं है कि स्पेसिफिक हीट जूल में है तो इसके यूनिट जूल में आएंगे हीट के, और काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी जूल में ही होती है, तो दोनों जूल जूल चल रहे हैं, तो J नहीं चाहिए अपने को। तो यहां से सॉल्व करके कैलकुलेट करके डेल्टा थीटा निकाल लो आंसर, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है फर्स्ट वाले से, ये भी सही है, ये भी सही है। वो कह रहा है जी मैं तो डायमेंशनल चेक कर लूंगा, क्या किया, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वर्क नहीं करेगी, सही तो है, क्योंकि मैंने सिखाया कि जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल ना हो और ऐसी आर स्क्वायर और इस सबसे पहले डायमेंशनली चेक कर लेना चाहिए, वर्क नहीं किया बात लगे, लेकिन काफ़ी बार हमारी क्लास में वर्क भी किया, तो कई बार देखते ही पता लग जाता है कि आंसर क्या होगा डायमेंशन से, इसमें नहीं कर रही तो ठीक है बात खत्म हो गई। वो इसलिए नहीं कर रही ना, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस, कुछ मिसमैच हो फिर तो चलो चेक भी कर लें, जब मिसमैच नहीं सारे तो एक जैसे हैं तो चेक क्या करें, नंबर तो चेक होगा नहीं, नंबर तो सॉल्व करके आएगा तो आंसर। तो यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट शीट है इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा, तो क्या होगा इसका क्वेश्चन, देखो
शीट नंबर 41। देखो इसमें क्या गिवन है, अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी कि प्योर रोलिंग है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशन एनर्जी है। जब एक बॉडी रोल करती है उसके पास दो एनर्जीज होती हैं, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। वो कह रहे हैं रोटेशन और ट्रांसलेशन की एनर्जी सेम है, तो रोटेशन की एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन की क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको ये बताना है कि बॉडी की शेप क्या है। तो मेरे को पता है प्योर रोलिंग में v क्या होता है, r ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है, v बाय r, v स्क्वायर r स्क्वायर, v स्क्वायर कैंसिल, सॉल्व करके i क्या आ गया, एम आर स्क्वायर, और किसका मोमेंट और इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, रिंग का, आंसर रिंग है। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो लॉजिक क्लियर है कि इसमें क्या करना है, कौन सी एनर्जी किसके इक्वल करनी है ताकि i की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्या क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, आई गिवन है, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है तो ओमेगा नॉट जीरो है, इन ऑर्डर टू हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1500 है, एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ अल्फा गिवन है, मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बताना है आपको अल्फा गिवन है। देखो आपको ये पता है कि बॉडी इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अप्लाई कर लो, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू है 25 इंटू टी, इस ओमेगा को यहां पुट कर लो और आई की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, एनर्जी भी गिवन है, तो ऑटोमेटिकली ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम टी आएगा एंड टी कैन बी कैलकुलेटेड, टाइम आ जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो टी टाइम के बाद ओमेगा निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है वो टी टाइम के बाद गिवन है, टी टाइम पे ओमेगा हम निकाल लेते हैं उस इक्वेशन से, जीरो प्लस अल्फा टी, अल्फा क्वेश्चन में गिवन है तो ओमेगा टी की फॉर्म में आ गया, उस ओमेगा को यहां पुट कर लेंगे तो सॉल्व करके क्या जाएगा आंसर आएगा, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3, हमने लास्ट टाइम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, फिर से एक बार फ्रैक्शन, देखो क्या क्वेश्चन है, एक स्फेयर बॉल रोल कर रही है, क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन, तो यानी कि फ्रैक्शन निकालनी है रोटेशनल की विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये बॉडी क्या है, स्फेरिकल बॉल, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है, 2/5, और आई की वैल्यू क्या है, 2/5 mr स्क्वायर, क्योंकि वो रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v क्या है, r ओमेगा, तो ओमेगा क्या है, v / r, तो चेक करो ओमेगा की जगह v / r, v स्क्वायर से v स्क्वायर, तो यहां से m कैंसिल, सॉल्व करके फ्रैक्शन क्या आ रही है, 2/7, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है यहां तक, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम का, ये नहीं करना, ये हो जाएगा हाँ देखें, क्या क्वेश्चन है, बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देखो आई भी दे रहा है ओमेगा भी दे रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से रोटेशन एनर्जी भी दे रहा है, क्या कह रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ बॉडी जिसका मास 27 kg है
और जो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन में वी के साथ मूव कर रहा है। तो अगर आप इस रोटेटिंग बॉडी से पूछोगे एनर्जी क्या है, वो बोलेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। स्लाइडिंग बॉडी से पूछोगे एनर्जी क्या है, बोलेगा हाफ एम वी स्क्वायर। कह रहे एनर्जी सेम है, तो ये वही सेम क्वेश्चन है कि रोटेशनल एनर्जी निकाल लो और वो किसके इक्वल है, ट्रांसलेशन एनर्जी के इक्वल कर दो, वी की वैल्यू निकाल लो, आंसर मास्टर को गिवन ही है। तो सेम तरीका है बताने का कि इस क्वेश्चन रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड है। एक स्फीयर जिसका मास गिवन है केजी में कन्वर्ट कर लेना, इसको देखो जरा क्या फॉर्मूला लगेगा, एक बार खुद ट्राई कर लो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना वेलोसिटी, तो क्या फॉर्मूला लगेगा चेक करो। तो फिर करना क्या है, मास केजी में कन्वर्ट करना, रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग ऑन द प्योर रोलिंग है ऑन अ प्लेन सरफेस, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास मूव विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो रोलिंग एनर्जी पता तो है क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वी आपको पता है सेंटर ऑफ, ये जो वी होता है वो किसकी वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास की तो होती है, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू भी पता है आपको कितनी है, स्फीयर की 2/5। फॉर्मूला बेस्ड है, आंसर निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, रोल करती हुई बॉडी की एनर्जी सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, सेवन्थ में करना। ये करो, अभी अभी मिलता जुलता क्वेश्चन है, चेक करो किसका आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन वाला सेम क्वेश्चन है। एक बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग है, क्या निकालना है, और वेरिएशन इसमें के गिवन है, रेडियस आर गिवन है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी। तो क्या करेंगे, रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, तो ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल आ गई। तो इस क्वेश्चन में आई की जगह क्या पुट करेंगे, बॉडी की शेप तो पता नहीं, तो वेरिएशन की फॉर्म में क्या पुट करते हैं, एम के स्क्वायर, इसकी जगह एम के स्क्वायर। बॉडी रोल कर रही है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो ओमेगा की जगह वी बाय आर, तो पुट करें जरा, तो आई की जगह एम के स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसल, ओमेगा की जगह वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहां से एम कैंसल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, सिंप्लीफाई करो आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन नंबर 9th देखें प्लीज, 9th।
आंसर इसका कितना सी है। देखो देखो, जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से नीचे आएगी तो एनर्जी कंजर्वेशन है, वो वेलोसिटी तो पूछ रहे, तो क्या करेंगे, एम जी एच इज हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या गिवन है, बीटा, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, बीटा। सॉल्व करके निकाल लेना यार, वी आ गया, कुछ करना ही तो नहीं है यार, इतने क्वेश्चन कर लिए। इंक्लाइन प्लेन पे जब रोल करती हुई बॉडी नीचे आती है और वेलोसिटी पूछे तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। और कोई पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर सेम क्यों होगा, लिखा तो हुआ है सेम पर क्यों सेम होगा, तीन मासेस डिफरेंट है, M1, M2, M3। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेते तो क्या हो गया, एक बड़ी बॉल है, एक छोटी बॉल, एक छोटी सी बॉल है, मास डिफरेंट है भाई, M1, M2, M3। अच्छा, अगर रोल करेगी देखो शेप सेम ही है, तीनों बॉल्स ही हैं, इतनी भी नहीं है यार, आई डिफरेंट नहीं है तीनों का, तो नहीं होगा। अगर आई डिफरेंट होगा फिर कैसे होगा यार, अगर डिस्क रिंग कर दोगे तो डिफरेंट ही होगा फिर। तो मास डिफरेंट है। देखो इसमें बात यह है कि अगर आपकी बॉडी नीचे आती है, फ्रिक्शन हो या ना हो, रूल नंबर वन, ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, तो वर्क डन जो होगा एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लगेगी। तो जब भी आप एनर्जी कंजर्व करते हो, मैं कहता हूँ रोल भी करते हो एक मिनट के लिए, इक्वेशन क्या लगाओगे यार, इस रास्ते से, इस रास्ते से, या इस रास्ते से, कहीं से भी लेके आओगे, रूल तो वही लगेगा, एम जी एच इज इक्वल टू क्या, मान लो रोल भी करती है, चलो ये बनेगा, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिज्यूमिंग सबका सेम है, तो मास तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो वी की वैल्यू में फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर में इसकी शेप चेंज ना कर दो। ठीक, तो मास मैटर नहीं कर रहा, शेप सेम है तो भी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, सर्कुलर डिस्क है, रोल कर रही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी गिवन है रोलिंग की, पर क्या निकालनी है, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन की एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल एनर्जी टोटल क्या है, 150, जो कि क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। डिस्क है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा, 1/2, ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। आंसर ये निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर आपको टोटल पता है, इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन है, तो आंसर। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको यहां तक? ठीक, 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12, तो मिलता जुलता क्वेश्चन तो किया है हमने, वो याद है, एक डिस्क के साथ वो मास नीचे गिरते थे, एनर्जी कंजर्वेशन करते थे। इस बार ओमेगा निकालना है आपको इसका, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमने, दो बार किया है, लास्ट टाइम भी किया, उससे लास्ट टाइम हैंड एंड शीट के अंदर भी किया है, दोनों में किया है।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया कि सपोज करो आपके पास कोई भी एक वो एक डिस्क है या कोई भी एक बॉडी है, इसके अंदर ये डिस्क ले या ना ले, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में इसका मोमेंट और इनर्शिया क्या गिवन है, आई, और रेडियस क्या है इसका, आर। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक मास यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, एक मास है, और ये मास को मैंने नीचे गेरा और कितना नीचे आ गया भाई, अ डिस्टेंस ऑफ एच, तो ये एच डिस्टेंस नीचे आ गया। तो आपको ये बताना है कि ऑब्वियसली ये रोटेट करेगी खड़ी खड़ी अपनी एक्सिस पे, मूव सिर्फ रोटेट कर रही है, आपको ओमेगा बताना है इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या सिखाया था, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो एक ही रूल लगना है और कोई रूल ही नहीं है, इस पॉइंट पर इस मास की पोटेंशियल एनर्जी, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, तो जब ये नीचे आ रही होगी तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी होगी और इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास एम प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, ये तीन चीजें इसमें काउंट होंगी। और ऐसे यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, ठीक, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, ये बराबर करनी होती है, ऐसे सिखाया था। अब इसके अंदर बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे, एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास एम क्या लेंगे यहां पर, जीरो, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, डिस्क रोटेट नहीं कर रही तो इसकी एनर्जी भी क्या है, जीरो, राइट, क्लियर है यहां तक। तो जब ये यहां पे नीचे आ गई तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किया था ऐसा हमने पहले भी, दो बार किया हुआ है मैंने सेम चीज, ठीक है। तो इन्हें इक्वेट कर देते हैं, जब इन्हें इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जब ये वेलोसिटी वी एक्वायर करेगी तो ये वी वेलोसिटी इस डिस्क के लिए क्या बन जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए हम रिप्लेस कर सकते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी की जगह क्या पुट करेंगे, आर टाइम्स ओमेगा, हाफ आई तो गिवन ही है आई ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व कर लेना और ओमेगा निकाल लेना, आंसर ऑप्शन मैच कर लेना, कॉमन निकाल लेना ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट लेना, ओमेगा की वैल्यू आएगी आंसर। यहाँ तक तो यहाँ से सॉल्व करना और सॉल्व करके ओमेगा निकालना, लंबा है तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करके अंडर रूट की फॉर्म में ऐसे आ जाएगी। नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन है अगेन सेम, नेक्स्ट भी एनर्जी कंजर्वे कुछ ये वाला क्वेश्चन किया है हमने, आज करवाया था मैंने, रॉड रोटेट कर रही है, अभी पूरा नीचे नहीं गिरी, थीटा एंगल पे गई है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ओमेगा निकालना है, क्या होगा, डी, कैसे डी, और मैंने जान के तुम्हें जब वो एक्सप्लेन किया था दिखाया था कॉस थीटा जाते हुए, जब क्वेश्चन बंद किया था तुमने स्पेशली कहा था देखो कॉस थीटा से वो एच आ रहा है, तो एच की वैल्यू एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, तो एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, ऐसे था कुछ, मैंने स्पेशली कहा था एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा ऐसे बोला था, वन माइनस कॉस थीटा मैथ्स के अंदर मेडिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे,
बता दूं हाफ एंगल मेडिकल में नहीं आता ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ओमेगा का आंसर साइन थीटा बाई टू में आएगा, क्या आंसर है भाई, वन माइनस कॉस थीटा से टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर दिया था, वो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा बताया नहीं था, इसीलिए नहीं बताया था कि आप फटाफट कॉस थीटा से आंसर मार्क करोगे, सारे आंसर जो है इसमें साइन थीटा बाई, जब मेथड बता दिया मैंने उसे सॉल्व करके जब ओमेगा निकलेगा वन माइनस कॉस थीटा में टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू रिप्लेस करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, सीधा आंसर ही साइन थीटा बाई टू में ये रहा। चलो इन एनी केस मेथड मैंने बता दिया, डन हो गया, ठीक गलत तो वो भी नहीं है वैसे, कॉस थीटा देख के उसे आंसर बोला, बट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हल्का सा इसमें, ठीक है यहाँ तक तो?